जी हाँ नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे, चीन को घुसने नहीं देंगे। दुष्प्रचार हारा, गलवान में तिरंगा ऊंचा हमारा। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से बोलेंगे, देश नहीं झुकने देंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे, चीन को घुसने नहीं देंगे। जय हिंद की सेना ने एक बार फिर चीन को करारा जवाब दिया है, सबूत वाली स्ट्राइक। चीन को भी करारा जवाब दिया और भारत में चीन के एजेंटों को भी, चीन की ओर से सवाल पूछने वालों को भी। चीन के दुष्प्रचार के जवाब में भारतीय सेना की यह तस्वीर सामने आई है और गलवान घाटी में शान से लहराता तिरंगा देख लीजिए। गलवान घाटी में तिरंगा फहराती सेना, भारतीय सेना शान के साथ लहराता भारतीय तिरंगा। आंखें खोलकर देख लीजिए, ये पीएलए प्रेमी गैंग है ना, हैशटैग है हमारा पीएलए प्रेमी गैंग। ये पीएलए प्रेमी गैंग आंखें खोलकर देख ले ये गलवान की असली तस्वीर। चीन भी देखे, ये पीएलए के पेरोल पर जितने लोग हैं वो भी देखे, चाइनीज एजेंट्स भी देखे और पीएलए प्रेमी गैंग भी इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखे। ये जय हिंद की सेना की चाइनीज एजेंट्स पर सबूत वाली स्ट्राइक आप इसको कह सकते हैं। दरअसल हुआ ये था कि गलवान में भारतीय सेना के हड्डी तोड़ पराक्रम के बाद चीन की हिम्मत ही नहीं है। जो हड्डियां तोड़ी है ना भारतीय सेना ने, किसी की हिम्मत नहीं है, चीन की वापस हिम्मत नहीं है कि वो फिर भारत के कब्जे वाले मतलब भारतीय गलवान में घुसे, भारत के गलवान में घुसे। वैसे तो वो गलवान भी हमारा है, जो कब्जा हो गया 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, वो भी गलवान हमारा है, ये भी गलवान हमारा है। और यहां वापसी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं, इतनी पिटाई करती भारतीय सेना ने। इसलिए 1 जनवरी को चीन की सरकारी मीडिया ने दुष्प्रचार फैलाया और एक वीडियो जारी किया जिसमें पीएलए के सैनिक चीन के झंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में चीन और पीएलए ने भी दावा नहीं किया कि ये भारत के कब्जे वाले गलवान का वीडियो है, लेकिन चीन के इस वीडियो गेम में कांग्रेस पार्टी शायद फंस गई, ट्रैप में फंस गई, पीएलए पर भरोसा कर लिया। राहुल गांधी भी फंस गए शायद इस ट्रैप में और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। कांग्रेस के कुछ नेता तो यहां तक बताने लगे कि भारत की गलवान घाटी में चीन की सेना ने झंडा लहरा दिया, ये तक का। इसलिए भारतीय सेना की गलवान घाटी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ठंड में भी पीएलए और भारत के पीएलए प्रेमियों के पसीने छुड़ा दे। चीन ने गलवान का फर्जी वीडियो दिखाया और भारत ने असली तस्वीरें दिखाकर चीन के झूठ को बेनकाब कर दिया। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, स्पोक्स पर्सन है, सर आपका स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जनरल प्रसाद आपका स्वागत, और लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल धून साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुरदीप सिंह सप्पल जी, वैसे ही चीनी सामान पर भरोसा नहीं करना चाहिए सर, आप बेहतर जानते हैं। पीएलए पर भरोसा करके आपसे गलती हुई, कोई अफसोस आपको? अमन जी, ये आपको कहां से लगा कि हमने पीएलए पर भरोसा किया था? ये जो आपने अपने विशेषाधिकार होने का, एंकर होने का इस्तेमाल किया और लगातार अभी एक प्रवचन दिया कि पीएलए के साथ है, ये गलत फहमी आपको कैसे पैदा हुई? थोड़ा सा खुलासा करेंगे जरा? हाँ जी। क्योंकि राहुल गांधी ने तो वही बोला जो पिछले साल भारतीय सेना ने बोला। आपको याद दिला दूं कि 19 जून 2020 को जब 15 जून की घटना के बाद चीन की सेना ने और चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया था पवन जी कि सारी गलवान घाटी हमारी है, और भारत की सेना ने और भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था कि चीन का ये दावा बेबुनियाद है, गलवान घाटी पे कुछ हिस्से पे हमारा कब्जा है, कुछ उन पे है जी। यही बात राहुल गांधी ने भी बोली जी। ये पीएलए के साथ राहुल गांधी को जोड़ने का जो आपको एक निराला आइडिया आया जी, वो क्यों आया जरा ये अपने दर्शकों को और मुझे भी बता दी। बिल्कुल, फिर मैं जवाब अच्छा लगा गुरदीप जी, बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि गलवान में भारतीय तिरंगा ही अच्छा लगता है, तो गलवान घाटी में भारतीय तिरंगा नहीं लहराया, ये ज्ञान आपको कहां से आया? नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट किया कि गलवान घाटी के भारत वाले हिस्से में चीनी झंडा भारत वाले हिस्से में लहराया गया, यह ज्ञान कहां से अर्जित हुआ सर? ये दो सवाल मेरे थे। अब मैं राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के सुना दूं आपको जी। राहुल गांधी ट्वीट में क्या लिखा था कि गलवान घाटी में भारतीय तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। इसमें ये कहां राहुल गांधी ने बोला कि भारतीय जगह पे तिरंगा चीन का लगा है? श्रीनिवास कांग्रेस के, अब आप अच्छा, हाँ बोल लीजिए, पहले पूरी बात। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज
राहुल गांधी पता क्यों बोल रहे थे जी? आज एएनआई ने एक ट्वीट किया जिसमें भारतीय सेना तिरंगा फहरा रही है गलवान पे, और सूत्रों के साथ ट्वीट किया जी। ये बात तो सत्य है ना कि भारतीय सेना के कब्जे में और भारत के कब्जे में गलवान घाटी का हिस्सा है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा है पूरा 38,000 किलोमीटर भी हमारा है। उस पे तिरंगा हर साल फहराया जाता है, ये भी मानते हैं? बिल्कुल। तो आज जब ये खबर आई तो विधिवत रूप से भारतीय सेना या विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र से क्यों नहीं आई और सूत्रों के हवाले से एएनआई को क्यों बोला गया? ये डर क्यों मन के अंदर है कि अपने इलाके में हम तिरंगा फहराएंगे लेकिन उस पे क्लेम नहीं करेंगे? नहीं डरती सर, ये नहीं सर, सेना नहीं डरती सर। अमन जी ये आपने सेना को डर लग गया, सेना ने तस्वीर, एक मिनट, नहीं, मुझे तो दुख है कि सेना को पराक्रम का सबूत देना पड़ रहा है, मुझे तो दुख है इस चीज का। अमन जी सेना को डर लगा मैंने नहीं बोला, आप मेरे शब्दों को तोड़िए मत। भारत सरकार ने आज ये आधिकारिक ट्वीट क्यों नहीं दिया या वक्तव्य क्यों नहीं दिया, सूत्रों के आधार से क्यों दे रहा है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। आपने केवल एएनआई का ट्वीट देखा है जी, उसी ट्वीट के साथ एएनआई की स्टोरी है। अगर आप उस ट्वीट को खोलेंगे ना, उसमें की स्टोरी है, आप भी एएनआई के बहकावे में आ गए। अच्छा, उस स्टोरी में एएनआई ने क्या बोला है आप पढ़िएगा, मैं पढ़ के सुनाऊं। जी जी, उसने कहा है कि कुछ जगह पे चीनी वापिस गए हैं लेकिन मोटे तौर पे जो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट है वो पूरा रुका हुआ है। उसने ये बोला है कि डेप्सांग में और हॉट स्प्रिंग में चीनी है और ये सर मैं एएनआई के बहकावे में आ गया, नहीं आप पीएलए के बहकावे में आ गए, क्या बेहतर है बताइए? मैं पीएलए के बहकावे में नहीं, आप पीएलए के, अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने आपको नहीं टोका, अगर आप मुझे इजाजत दें गुरदीप जी, पहले पहली बात का आप जवाब, अच्छा आप पूरा बोल लीजिए पहले, फिर बात। आज भारत सरकार ये क्यों नहीं आधिकारिक रूप से मुंह खोलती है? पिछले हफ्ते चीन के एक अदने से दूतावास के कर्मचारी ने हमारे एमपीज को चिट्ठी लिखी कि आप तिब्बत के नेताओं के साथ मत बैठिए। गुरदीप जी बस, अगर आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ हैं और देश के 135 करोड़ लोगों के साथ हैं। गुरदीप जी सुनिए ना, गुरदीप जी मुझे, मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, अच्छा, जिसने 1967 में ना जी नाथुला में चोला में चीनियों को खदेड़ा था। जी जी, आप एक पीएलए के साथ हमको मत जोड़िए। नहीं 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 नहीं, बीजेपी नहीं है, नहीं नहीं, जो चीन की मैंने पार्टी की क्लास लेती है। गुरदीप जी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ आज, गुरदीप जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ हूँ, हम 135 करोड़ भारतीय एक साथ हैं, तो आज एक साथ मेरे साथ बोलिए कि भारतीय इलाके में चीनी झंडा नहीं फहराया गया, मेरे साथ एक बार बोलिए। हमने तो नहीं बोला, आप एक बार मेरे साथ बोल दीजिए ना एक बार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए ना, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं, सुनिए सर कांग्रेस के कुछ नेता, मैं नाम लेकर बताता हूं, श्रीनिवास आपके बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका ट्वीट स्क्रीन पर डालिए, उन्होंने ट्वीट किया कि गलवान के भारतीय हिस्से में चीनी झंडा फहराया। अब गुरदीप सिंह सप्पलिए स्क्रीन पर है, पूरा स्क्रीन पर डालिए एक बार, इस ट्वीट को पूरा स्क्रीन पर डालिए।